व इला आदिन अखाह व इला और तरफ आदिन आद के अहााह उसने कहा या कौमी ऐ मेरी कौम तो अबुदू इबादत करो अल्लाह अल्लाह की माँ नहीं लकुम तुम्हारे लिए मिन इला कोई भी इलाह गई उसके सिवा इन नहीं तुम तुम अल्लाह मगर मुफ्तरों झूठ करने वाले अब यहाँ पे यहाँ पे ओण्डू हमने पढ़ा हालांकि अलिफ के ऊपर हमसा के ऊपर पेश नहीं है तो ये हमें कैसे पता चला कि या कौमी अगर अलहदा पढ़ेंगे और बुद्धू पर हमजा पेश होगी तो ये भी हमने ग्रामर से सीखा था ना कि फेल अमर में जो शुरू में उसके अलिफ लगाते हैं उसके ऊपर हरकत कौन सी होती है जेर होती है या पेश होती है तो जब आई कलिमा क्या हो उसके नीचे कसरा हो या जबर हो तो फिर हम शुरू में अलिफ के नीचे जेर लगाते हैं जैसे इस गरीब रॉय के नीचे लेकिन अगर आलिमा मजमूम हो तो फिर शुरू में पेश लगती है आगे को देख अब आद को आद यानी हूद की कौम का वाक्य जो है वो हम सीखेंगे इनशा तो ला सब तला फरमाते हैं कि आद कोम आद यानी हूद की कौम की एक पैगम्बर भेजे गए और उनको उनका बाई कहा गया यानी आज की तरफ उनके बाई कूत को बेचा तो ये उनके कौन से बाई थे नस्बी बाई तो नहीं थे ठीक है और कौमी बाई को क्यों पैगम्बर बनाकर भेजा गया और क्यों हर दौर के अंदर कौम के अंदर से ही पैगम्बर बनता है पैगम्बर भेजा जाता है बाहर से कोई नहीं आता उसकी एक रीज़न ये है कि जो शख्स जिस कल्चर के अंदर जिस रात में जिस इलाके में रहता है वो उसकी सारी खुद को भी जानता है लोगों के मजाज को लोगों की जुबान को अंडरस्टैंड कर लेता है तो इसलिए अगर बाहर से कोई पैगम्बर आए तो उसको मानना और उसको जानना और उसकी बात को कबूल करना और ये भी हो सकता है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट हो तो बातचीत कम्युनिकेशन अच्छी नहीं हो सकती इसके हमेशा ऐसे हुआ अम्बिया जो है अपनी गोम में से ही आए और इससे हमारे लिए भी एक बड़ा अच्छा लेसन है कि जब हम किसी को दावा का काम करते हैं तो हम उन लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके के साथ समझा सकते हैं जिनके साथ हमारा अपना बैठना रहन सहन होता है क्यों क्योंकि उनकी पसंद नापसंद उनके साथ बात कैसे की जाती है उनका कल्चर कौन सा है अब जब हैं, दावा का या कोई भी लेक्चर डिलीवर करते हैं तो उसमें हमने एग्जाम्पल्स नहीं होती हैं तो एग्जाम्पल्स अपनी कल्चर के मुताबिक मिले तो हमें समझ में आती हैं कुछ फिर फ्रेजेस होते हैं मुहावरे होते हैं फिर उनको भी हर कल्चर के अपने अपने होते हैं और हर कल्चर की अपनी एक अलग से शिनाख्त होती है तो एक कौम में रहने वाला बंदा ही अच्छे तरीके के साथ उसको गाइड कर सकता है समझा सकता है तो खुद कौम हूद को खुद ने सबसे पहले आकर असल सबक याद करवाया या कौमू अल्लाह ऐ मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो उसके सिवा तुम्हारा कोई भी मबूद नहीं है हर नबी का पहला पैगाम यही इन तुम अल्लाह मुफ्तरू अगर तुम ऐसा नहीं करते लेकिन तुम अल्लाह पे झूठ गढ़ने वाले हो मुफ्तारून ये भी इस है लेकिन जो हमने आज पढ़ा वो नहीं ये मजीद फीस है ठीक है आज हमने जारी बुन पढ़ा ना जारी बुन जारी बान य तो ये मुफ्तारून भी इस है कल जो सीखेंगे उसकी ये होगी तो देखिए आप पता चल गया ना कि मुफ्तारून की ट्रांसलेशन हमने झूठ गड़ने वाले करने मुफ्त रून तो अफतरा ऐसे झूठ को कहते हैं जिसके मुतालिक बोलने वाले को पता होता है कि यह साफ झूठ है अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई है ही नहीं तुम्हारा किसी अल्लाह को मबूद समझना महज इफ्तरा है झूठ है और यहाँ पे एक बात हमें समझ में आती है कि पैगंबर ने ना सिर्फ उनको इबादत की तरफ बुलाया बल्कि उनकी गलत अकायद को भी पॉइंट आउट किया उनको बताया कि ये तुम गलत कर रहे हो तो लेसन हमारे लिए क्या लर्निंग पॉइंट इससे सीखने को क्या मिल रहा है कि हक हाँ को वाजे करने के लिए हक हाँ को बताने के साथ साथ ना हक हाँ की निशानदेही भी बहुत जरूरी होती है ये बताना जरूरी होता है कि नुकसान किन चीजों से है और ये भी जरूरी है कि जब जजा बताएं तो साथ साथ सजा भी बताएं क्योंकि पॉजिटिव थिंकिंग यही है कि आप पॉजिटिव पहलु के साथ साथ नेगेटिव चीजों को भी पॉइंट आउट करें तनकीदी निगाह से भी देखें ताकि पता हो कि ये बाउंड्री है इसको क्रॉस नहीं करना कहा या कौमी मेरी कौम लाक नहीं मैं सवाल करता तुमसे ही इस पर अजरन किसी अजर का इन इल्ला फत मेरा अजर किस पर है जिसने मुझे पैदा किया मुझे तुमसे कोई मुआवजा नहीं चाहिए कोई मजदूरी नहीं चाहिए मैं अल्लाह से ले लूंगा जिसने मुझे भेजा है तो पैगंबर जो होता है हाँ सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए दावा का काम करता है उसकी कोई और इंटेंशन नहीं होती वो किसी मफाद के लिए या किसी इज्जत या आओभत पैसे के लिए ऐसा नहीं कर रहा होता अमूमन लोग यही समझते हैं ना कि ये बंदा जैसे अल्लाह के रसूल को भी लोगों ने चैलेंज पेश करके अगर कि तुम्हें किसी लड़की के साथ हो लड़की के शा, 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 शादी, शादी करनी है तो हम तुम्हारी शादी करवा देंगे अगर तुम्हें माल चाहिए तो हम तुम्हें पूरे अरब के मालदार लोगों में शामिल कर लेंगे तुम्हें अपना अमीर बना लेंगे तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि अगर तुम मेरे दाएं हाथ में सूर चांद भी रख दो तो फिर भी मैं तुम्हें अपने इस मिशन से नहीं हट सकता क्योंकि पैगम्बर का क्या पर्पज होता है अल्लाह को खुश करना वो अल्लाह की रजा के लिए लोगों की खैरखाई का काम करता का 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 है अफला ताकिलून क्या तुम नहीं समझते तो जो शख्स सच्चे दिल से दावत तबलीग और, और नसीहत के लिए मशक्कतें उठा रहा होता है सिर्फ अल्लाह से अजर लेने की कोशिश करता है उससे फिर फर्क नहीं पड़ता लोगों की बातों का लोग क्या कहते हैं केयर नहीं करता अपनी कौम को फिर कहने लगे या कौमी बड़ी मोहब्बत के साथ बार बार कह रही है मेरी कौम इस तक बख्शिश मांगो और अपने रब से सुमतबो फिर तोबा करो इले उसकी तरफ अगर तुम ऐसा करोगे फिर अल्लाह क्या करेगा यूरसम आई कुम् में वो आसमान से तुम्हारे लिए बारिश भेजेगा बहुत बरसने वाली वायद कु और ज्यादा देगा तुम्हें कुत कुंभ तुम्हारी कुत के और आप लोग जानते हैं कि कौम आज है बड़ी एक ताकतवर और मजबूत कौम थी यमन की तरफ एक अहकाफ इलाका है वहां पर रहते थे ये और ये बहुत ताकतवर और बहुत ज्यादा कुव्वत वाले थे कि सूरह फजर के अंदर फरमाते युखलक मिसलू हाफिल बिलाद कि इन जैसे कोई कौम ही शहर में पैदा नहीं हुई थी इतने ताकतवर अपनी ताकत पर इनको मान था कद दिन के बहुत ऊंचे ऊंचे थे यही वजह थी कि अल्लाह ने इनको कहा और अल्लाह के रूल जो को तो इनकार किया तो फिर क्या हुआ कहा जाता है कि ताकत थोड़ी कम शुरू हो गई उन पर बारिश परसना बंद हो गई क्या का शिकार हो गए कि अगर तुम इंफार करो तोबा कर लो अल्लाह ताला से अपने आय जो गुनाह हैं उसकी माफ़ी मांग लो अल्लाह पर ईमान ले आओ और तू वो इले ही इसतफार के बाद तोबा का जिक्र इसलिए आता है कि आइंदा उसकी नाफरमानी तुर्क कर दो यानी हर हो कबूल करने का पुख्ता ज़म करो इसको तोबा क्या आती है तोबा का मतलब होता है पलट आना और तकफार का मतलब होता है माजी के गुनाहों की माफी मांगना तो इस्तार और तोबा बहुत जरूरी है दोनों इसतफफार के बाद तोबा कर ले आइंदा ना करने का तो ये दोनों काम करने से क्या होगा कि आसमान से नाजिल होंगी और भेजेगा भे आसमान को यानी यहाँ पे आसमान को भेजने से मुराद बारिश और बादी नहीं क्योंकि समा उन बुलंद चीज को भी कहते हैं आसमान के साथ साथ समा उन बुलंद जो चीज होती है ना उसे भी और मतलब है ये मुबालगा है मुबालगा से है इसका मतलब है बहुत ज्यादा बरसने वाली बारिश ये दूध का बहना ज्यादा बहने के लिए इस्तेमाल होता है तो अल्लाह बहुत बहने वाली बहुत बरसने वाली बारिशें तुम पे नाजिल करेगा तो हमें सीखने को क्या मिल रहा है कि जो बंदा इस करता है तोबा करता है अल्लाह सुबाना तआला उससे कहर दूर कर देते हैं रहमतें नाजिल करते हैं उस पर बारिश नाजिल होती है और फिर जिसमानी जहनी और माली हर किस्म की कुत नवाजते हैं वो पहले ही कुवत वाले थे उनको कहा गया कि तुम पहले ही गयात वाले हो उनके पास कौन सी कुवत थी? जिस्मानी और मादी अल्लाह तुम्हें और कुवतें अदा करेगा और वो वाली कुवती कौन सी होंगी रूहानी इसके जरिए पैगम्बर जो पूरी करता है रूहानी गुबे पूरी होती है, ये भी पता है कि जिस जिस ताकत अगर रूहानी ताकत ना हो इंसान की रूह भी जरूरत होती है अगर रू मर जाए तो जितना मर्जी इंसान ताकत इंसान हो उसकी ताकत एक न एक दिन खत्म होती क्योंकि वो तकबर तो और गुरूर में पड़ जाता है तो इसलिए जिसमानी जनी माली रूहानी हर किस्म की कुत अल्लाह तय करेंगे किस चीज के बस तोबा इस्तफार के वस तो ये तोबा इसतगफार हमें करते रहना चाहिए अपने गुनाहों को याद कर के माफी मांगें और फिर गुनाहों की जड़ काटने का आजम भी करना चाहिए वाल तल्ल मुजरिम और यानी मेरी इताद से मोहना मोड़ो वरना तुम क्या बन जाओगे मुजरिम बन जाओगे ये छोटी सी तकरीर में हूद दफा अपनी कौम को कहा या कौमी, ए मेरी कौम। तो का कितना प्यारा अंदाज हमें समझ में आता है अपनाइय देकर बुला रहे हैं क्यों क्योंकि शायद अपनाइय के साथ इनके दिलों तक रसाई हासिल कर सके तो क्योंकि हूद उसी कबीले के फर्द होकर उन्ही को तो दावा दे रहे थे तो वो समझाना चाह रहे थे कि या कौमी बार बरा मेरी कौम बाकी उनको पता हो कि मैं उन्हीं के इलाके से हूं उन्हीं के अंदर पला बढ़ाऊं तो दाई मुबलिक के लिए एक और असूल हमें क्या समझ में आता है अम्बिया से हमें मुबलिकीचर जो होता है दाई होता है नसिख और जो मुस्लि होता है उसके उसके लिए कुछ प्रिंसिपल आते हैं हम सब है दाई है हम सब मुस्लिम हैं प्रीचर हैं क्यों नहीं, नहीं कि किसी एक सीट पर बैठ के हम प्रीचर हमें अपने बच्चों को अपने साथ रहने वालों को अपने दोस्तों को कुछ ना कुछ समझाना होता है कुछ ना कुछ बताना शेयरिंग करते हैं तो जब शेयरिंग के शेयरिंग के असूल हमें पता होंगे तो हमारे लिए बात समझानी ज्यादा आसान हो जाएगी तो मुबल्ली के लिए अपने फॉलोअर्स को अपनाइए देना बहुत जरूरी होता है ये समझाना ऐसे नहीं मुबलिक होना चाहिए कि वो यूज अपने आप को बड़ा पारसा समझे और ये सामने वाले हैं उनको बड़ा गुनगार समझे ठीक है तो जब तक मुबलिक अपनाइत नहीं देता उन्होंने कहा ऐहूद नहीं तो लाया हमारे पास बिब न कोई वाज दली कोई भी मौजदा नहीं लाया तो, तो आम इंसान है हम में से ही है तो तो हम नहीं, नहीं लाएंगे तो सब कुछ वाजे होकर भी कि एक दिन, मजबूत कोम में से खड़ा हो रहा है और उठकर अल्लाह की दावत लगे तुम्हारे पास कोई वाज दलील नहीं कोई मुआजा नहीं है हम जैसे इंसान हो हम तेरे कहने की वजह से अपने को देंगे साफ सुथरा इनकार किया इन्होंने चार जुमलों के जरिए सख्त तरीन अफसों में इन्होंने खूद सलाम को जुटलाया सबसे पहला कि इन पर नबोवत की कोई दलील पेश करने का बहुतान लगाया दूसरे और तीसरे जुमले में इन्होंने इनकार किया कि हम अपने मबूदों को नहीं छोड़ेंगे अमान भी और हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे तीसरी चीज चौथी जो बात इन्होंने कही इन नकुल कहने लगे कि हम में से जो हमारे बुद्ध हैं बाज आलियाना बिस हमारे बाज इलाहों की फटकार पड़ी है तुम पे यानी किसी एक आद मबूद ने तुझे कोई आफत पहुंचा दी है इसलिए तुम बहकी बहकी बातें कर रहे हो अगर तुम्हें सबकी मार पड़ जाती तो क्या बनता तुम्हारा ये किस्म का मजाक था जो मुझसे एक मजाक उड़ाना और इस तरह से कि मारे मबूदों की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई है और अफसोस आज भी हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर हम किसी बुजुर्ग की नाफरमानी करेंगे या जो मन्नत तो उनके हाँ, मानी हुई है वो पूरी नहीं करेंगे तो हमें ऐसे ही फटकार पड़ेगी तो मुसलमानों का तो ये अकीदा होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई जिंदा या मुर्दा हस्ती किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती ना बना सकती है इसलिए अगर माजी के अंदर कोई कुछ मनते वगैरह मानी हो ना तो इस डर से उनका हम लोग इनका डरते छोड़ते नहीं कि कहीं हमें नुकसान ना पहुंचे तो ऐसा भी नहीं होता वैसे भी हदीस में आता है ना कि मेहू के, के तार जिसमें खालिक की नाफरमानी होती है वो जरूरी नहीं है तो जितने भी वादे किए हैं वो वादे माजी किए तोबा करें और आगे बढ़ जाए तो उनकी कौम ने साफ इनकार किया और कहने लगे कि तुम पर जो है हमारी हमारे बुतों में से किसी एक बुत की फटकार है और फिर आगे से नबी ने क्या कहा कौला उसने कहा कितने खुद ने खुद सलाम ने इन्नी उशहदुल्ला मैं गवाही देता हूं अल्लाह को वशहदु और तुम भी गवाह रहना अन्नी बेशक मैं बरी, बरी। में उन बरी उस जिम्मा हूँ मैं मातो शिकोन उनसे जिन्हें तुम शरीक बनाते हो यानी जो तुम कहते हो कि तुम हमारे मबूत पर यानी हम में से किसी मबूत की मार पड़ गई है किसी एक आद की तो मैं इनसे बरी हूं मैं इनको नहीं जानता मैं इनकी पैरवी नहीं करता इनको नहीं पूछता मंदूरी ही इस सिफ़ा जमी आश्चाल चलो मेरे हिलाव सब के सब सुमला तुम जिरो तो फिर मुझे मोहलत ना दो यानी तुम किसी एक महबूत की बात कर रहे हो किसी एक महबूत ने मुझे, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहे चलो ऐसा करो सबको इकट्ठे कर लो और सारे मिल के मेरे खिलाफ चाल चले मैं तुम्हें तो खुल, खुल चैलेंज कर ये सबसे बड़ा मोजा होता है किसी भी नबी का तो नहीं लगे तो मुझे कोई भी मोहलत ना देना तो यही है मुजजा अगर उनको प्रॉपर अगर कहा जाए कि उन, उनकी कौम ने कहा कि जी आपने हमारे पास कोई मुआवजा नहीं लाया तो उनके लिए इतनी जाबिर और इतनी ताकतवर कौम के सामने खड़े होना इस तरह से क्यों कि चैलेंज है सारे लोग इकट्ठे हो जाओ सारे मबूद मिल जाओ मेरा बिगाड़ना चाहो लेकिन क्या हुआ कि नबी का वो कुछ नहीं बिगाड़ सके तो यही सबसे बड़ा मौजा होता है किसी के सब मिलकर भी किसी का कुछ ना बिगाड़ सकते हो तो ये खुलम खुला मुआजा है फिर चैलेंज किया उन्होंने और साथ ही चैलेंज के बाद कह दिया कि कहीं मेरी इस बात से कबूर और गुरूर ना टिपके फौरन बता दिया कि ये मैं चैलेंज किस बिना पे कर रहा हूँ ये बात होनी चाहिए कि जब हम किसी चैलेंज करें हम भी साथ ये कहें इन्नी तवक्कल तो अल्लाह मैं बेशक तवक्कल करता हूँ अल्लाह पे ये जुर्रत में कैसे पैदा हुई खुद ही उन्होंने बयान कर दिया खुद ही वजाहत अल्लाह पे भरोसा करने की वजह से जो मेरा भी रब है वा रब्बिकुम और तुम्हारा भी रब है उस पर भरोसा करता हूँ उसी के भरोसे मैं ये चैलेंज तुम्हें तुम्हारे साथ कर रहा हूँ मा मिया बतिन इल्ला हुआ आखिजिया इस जमीन के अंदर कोई भी ऐसा जानदार नहीं वो चींटी है वो परिंदा है वो इंसान है कोई भी है जीरो मखलूक सबकी सबकी पेशानियाँ अल्लाह के हाथ में है अल्लाह ने उनको पकड़ा हुआ है पेशानी कहते हैं यानी नास तो कहते हैं पेशानी के बालों को और यहाँ पे पेशानी के बालों का जिक्र इसलिए किया गया क्योंकि यहाँ से इंसान अच्छी तरह पकड़ लेता है अगर बाजू से पकड़ा जाए तो कोई छुड़ा के ले जाता है अगर कमर से पकड़ा जाए फिर भी कोई छुड़ा लेता है लेकिन अगर पेशानी से पूरी गरिफ्त के साथ पकड़ ले तो फिर यहाँ से कोई छुड़ा नहीं सकता और वैसे भी कोई हिल नहीं सकता इसीलिए अल्लाह तला ने फरमाया ना निया कि हम जरूर उसे पेशानी के बालों के साथ घसीटेंगे और मुजरमों के मुतालिक फिर एक और आयत के अंदर अल्लाह सुबह फरमाते रहमान के अंदर आयत 41 में फयु खजु बिन नवासी वकदाम फिर उनको पेशानी के बालों और कदमों से पकड़ा जाएगा तो अल्लाह ने इंसान को इस दुनिया के अंदर भेजा और शरी अकीदे और शरी अहकाम में अल्लाह ने इंसान को अख्तियार दिया मानोगे तो इनाम मिलेगा नहीं मानोगे तो सजा मिलेगी लेकिन जब तुम अकड़ो अकड़ जाओगे आप हर तरह की मर्जी का मालिक अपने आप को समझ लेंगे तो फिर क्या होता है कि गद्दारी कर बैठते हैं हम अल्लाह की खुलम खुला उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं रसूलों को जुटलाते हैं तो थोड़ा सा अख्तियार अल्लाह ने दिया और हमने अपनी मर्जी चलाई हालांकि कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है वो चाहे तो उसकी मर्जी के बगैर हिल भी नहीं सकते लेकिन उसने इख्तियार दिया इंसान को हक हाँ माने और ना माने में बाकी मामला में अगर देखें इन मामला में हम अपना हक हाँ चला लेते हैं लेकिन वो मामला जो कन कहकर अल्लाह करते हैं उनमें हमारा कोई इख्तियार नहीं होता ना ही हमारे उन बुजुर्गों का जिनको हम अल्लाह के सिवा पुकारते हैं मस्तन अगर हम किसी को कहें यानी अगर हम इतने ही अकड़ने वाले हैं ठीक है अपने आप को बड़ा समझते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह के हाथ में तो कुछ नहीं ना उजुबिल्ला अल्लाह की पेशानी में कुछ नहीं अल्लाह हमारी पेशानी अल्लाह ने नहीं पकड़ी हुई तो फिर हम ऐसा क्यों नहीं करते कि कहें कि हमें कोई बुरा नहीं कर सकता अगर मरने लगे तो मौत के वक्त अकड़ जाए कि हमने नहीं मरना या फिर हमारे शरीक कहें कि हम अपने बंदे को मरने नहीं देंगे क्या पता चलता है कि थोड़ा सा इख्तियार है बाकी कब्जा इंसान का अल्लाह के हाथ में अल्लाह के कंट्रोल में है अल्लाह के हाथ में है सारी चीजें तो इसलिए अपनी को क्या कहते हैं कि सारे का सारा इख्तियार अल्लाह के पास है मेरा उसी पर भरोसा है, मुझे तुमसे कोई डर नहीं जाओ जो मर्जी करो इन्ना रब्बी अला से मुस्तकीम बेशक मेरा रब सरात मुस्तकीम पर है तो वो है सीधा रास्ता सीधी राह पर अल्लाह को ढूंढना चाहेंगे तो सरात मुस्तकीम पे चलना पड़ेगा और अगर हम इन आयात को जो अभी तक हमने पढ़ी है दोबारा एक नजर से देखें तो हमें पता चलता है कि सुरत मस्तकीम क्या है शुरू से अभी तक कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें पता चलती हैं और फिर ये भी पता चलता है कि हूद की तालीमात के मेन फीचर्स क्या थे और फिर ये भी पता चलता है कि पैगम्बर लोगों को कैसी बातें बताते हैं यह भी पता चलता है असल शारह क्या होती है वो कौन सी बातें हैं जिन पर अमल करने के लिए हमें हुक्म दिया गया है और वो कौन सी बातें हैं किसी रात मुस्तकीम पर चलने के लिए उन्हें इख्तियार किया जाता है सबसे पहली चीज़ क्या थी तोहेद दूसरी चीज इबादत तीसरी चीज क्या बयान की खूद ने किस चीज का हुक्म दिया इसतफार का चौथी तोबा पांचवी नेमतों पे शिक्र छठी अल्लाह पे तवक्ल करना फिर सातवीं अल्लाह को अपना रब मानना फिर आठवीं चीज सिर्फ उसको ही सारी ताकतों का मालिक समझना नामी अल्लाह को अपने ऊपर निगरान मानना समझना और फिर दसवीं एता में खुशब इख्तियार करना तो ये सब बातें हमें पता चलती हैं कि सरात मुस्तकीम पे चलने के लिए इन सब बातों पे अमल जरूरी है ये सब होगा तो इंसान सरात मुस्तकीम पे चल सकता है और फिर ये बात पता चलती है अगर कंक्लूजन देखिए और ओवरऑल इसको चेक करें दाई के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनकी कोशिश ये होती है दाई की क्या होती है कोशिश कि वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ जोड़े और ये सब बातें इंसान किसके साथ जोड़ती है इंसान को अल्लाह के साथ इंसान अल्लाह की इबादत करे तो के बाद अल्लाह की इबादत करे गलती हो जाए तो लोगों के आगे जाके गिड़ गड़ाई नहीं कि मुझसे मिस्टेक हो गई है इस्तगफार करें फिर तोबा करें अल्लाह के सामने ही झुके अल्लाह को कह के आंदा ये गलती नहीं होगी मुझे माफ कर दे फिर उसके बाद अगर नीमतों से खुश हो अल्लाह ताला तौबा इस्तगफार करने के बाद उसे नीमते अदा करें तो उस पर क्या करें अकड़े नहीं शुक्र अदा करे फिर अगर किसी के साथ चैलेंज करे कोई मामला खराब हो जाता है या फिर खुशी गमी का मामला होता है कभी खुशी मिल रही है कभी गमी ऐसे हालात आ जाए जब, जब आ, पर अल्लाह पर कभी डगमगाने लगे तो ये समझे कि लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते अल्लाह ही उसका मालिक है फिर उसके बाद क्या करें कि अपने ऊपर अल्लाह को निगरान समझे अल्लाह ही गाइडर है अल्लाह ही मेरा मुझे देखने वाला है और फिर जब इताद का, का काम करे तो खुशबू अख्तियार करे रियाकारी और दिखावे से बचे अव्वल से आखिर तक ताल्लुक किसके साथ हो अल्लाह के साथ यही है सियात मुस्तकीम तौहीद से लास्ट तक और जो मोमिन होता है उसकी सारी की सारी जिंदगी अल्लाह ही के लिए अल्लाह की रजा के लिए गुजरती है वो अल्लाह पे ही भरोसा रखता है वो सियात मुस्तकीम की डेफिनेशन उसके लिए क्या होती है ईया कब ई कस्त अल्लाह हम खास तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं सिर्फ तेरी इबादत तो जो प्रीचर होता है दाई होता है वो डायरेक्ट अल्लाह से जोड़ता है तो फिर मोमिन सुबह उठता है तो अल्लाह का नाम लेता है अल्लाह का नाम लेने के बाद जब वो वजू करता है तो भी अल्लाह का नाम वजू के बाद भी अल्लाह का जिक्र नमाज पढ़ता है अल्लाह का फिर अजगार करता है फिर अल्लाह को याद करता है उसके बाद नाश्ता करता है तो नाश्ते से पहले खाना खाने से पहले भी अल्लाह का नाम बाद भी अल्लाह का नाम खाना, खाना खाने की ये कीमत होती है फिर वो घर से निकलता है तो अल्लाह का जिक्र करते हुए निकलता है जॉब पे जाता है बैठता है उसकी फुल अटेंशन यही होती है कि वो अल्लाह को याद करता रहे अल्लाह के जिक्र में अल्लाह की याद में अल्लाह के साथ बातों में लोगों के साथ डील भी करता है लेकिन अंदर अल्लाह का डर खौफ मोहब्बत होती है अगर किसी से मोहब्बत करता है तो अल्लाह की रजा के लिए कोई बात उसे बुरी लगती है किसी की तो भी अल्लाह की रजा अल्लाह की वजह से फिर उसके बाद अगर किसी की के लिए जाता है तो अल्लाह की खातिर जाता है वापिस आता है घर में तो हर मामले में वो क्या करता है उसकी जिंदगी का मकसद अल्लाह ही अल्लाह होता है अल्लाह हर काम क्यों करता है अल्लाह की रजा चाहने के लिए फिर लास्ट पे वो सब तारीफ के लिए नहीं करता रयाकारी के लिए नहीं करता वो तारीफ और तनकीद से बंदर होकर ये सारे काम करता है क्योंकि तो सिर्फ उसको अपने रब की रजा चाहिए तो ये है सिरा मुस्तकीम, और इसी पे चलना है इनशाला और दुआ भी साथ साथ करनी है कि अल्लाह हमें जब भी पढ़ते हैं ना सीखते हैं तो फिर क्या करें ये बात जहन में रखनी है और से दुआ करनी है कि अल्लाह हम नहीं इस काबिल तो हमें ऐसे लोगों में शामिल कर दी फिर क्या हुआ तवल हूद ने कहा ने कहा, तुम मुंह फेरते हो फ अब कोम तो मैंने पहुँचा दिया तुम्हें मा उल तो जो जिसके लिए मैं भेजा गया था इले तुम्हारी तरफ वो यस और जानशीन बनाएगा मेरा रब कौम एक कौम को गई रकुम तुम्हारे अलावा अगर तुमने बात ना मानी और इनकार किया तो ये मत समझना कि अल्लाह को तुम्हारी जरूरत है ये एक असूल है कि जब कोई कौम इनकार करती है चाहे वो छोटी कौम है बड़ी है ये अल्लाह का एक असूल है एक बंदा या ज्यादा है जब कोई किसी चीज की कदर नहीं करता इनकार करता है या उसको वो प्रोटोकॉल ही देता जो अल्लाह ने जिस तरह से उसको भेजा होता है इज्जत नहीं करता तो अल्लाह उस कौम को खत्म कर देते हैं और फिर उसकी जगह नए लोग आते हैं ऐसे ही कहीं पे आप जॉब कर रहे हैं आप अपनी जॉब अच्छी नहीं कर रहे आप अपनी ड्यूटी अच्छी नहीं निभाते फिर क्या होता है आपको निकाल दिया जाता है आपकी जगह कोई और आ जाता है तो ये नहीं समझना चाहिए कि अगर हम कोई कमी बेशी करेंगे तो को कोई किसी को नुकसान होगा अल्लाह को नहीं होगा निज़ाम को नुकसान नहीं होता इंसान को खुद होता है इसलिए अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभानी चाहिए आप फीसिला काम करते हैं तो ये नहीं समझे कि एहसान कर रहे हैं ये समझे कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे जगह पे और लोग आ जाएंगे तो खुशकिस्मती की बात है ना अल्लाह ने हमें चूज किया अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं हमें जरूरत है कि हम अल्लाह के हाँ जॉब करें अल्लाह की यानी अल्ला अल्ला कुरान की, की के लिए जिम्मेदारियां निभाएं कुरान की हिदमत करें कुरान की मुलाजमत करें ठीक है तो ये हमारा फखर है कुरान तो किसी को भी चूज कर लेते हैं अल्लाह तो किसी को भी चूज कर सकते हैं तो यही कहा मेरी अपनी ताकत पे मान न करो वला तजुरु नैया तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते तुम अपनी ताकत से अल्लाह को मरूब नहीं कर सकते अल्लाह को नुकसान नहीं पहुंचा सकते इन्ना अला लिशे इन नब हफीज बेशक मेरा रब हर चीज के ऊपर खूब खूब निगरान है भूख देखने वाला है ठीक है तो अल्लाह ही परवरिश करता है अल्लाह ही निगरानी करता है हर चीज की इंसान के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है फिर क्या हुआ अमरुना और जब आ गया फैसला हमारा क्या फैसला आया फैसला कैसा हूत की कौम पर कौम हूत पर जो अजाब आया था बहुत सहता आया था अल्लाह ने क्या किया नजात दे दी उन लोगों को जो ईमान वाले थे अपनी राहमत के साथ वह नीना नजा दी हमने उन्हें बिन अला बिन गलीस सह अजाब से शदीद अजाब अजाब का हवाओं शदीद हवाएं चली थी ठंडी हवाएं थी और शोर वाली बहुत ज्यादा आवाज थी और ठंडी भी हवाएं हो तो किस तरह ठंडी हवाएं कैसे रूह को काट देने वाली होती है शदीद ठंडी जो हवाएं होती है और वो तेज भी बहुत ज्यादा थी कितने दिन चले रातें और आठ दिन तक मुसलसल वो हवाएं चलती रही एक एक बंदे को उन्होंने उस हवा ने मार दिया अब कोई आप अगर किसी इलाके में जाए परिंदे मरे हुए पड़े होते हैं या फिर कोई भी छिड़िंद परिंद जानवर वगैरह अगर उन्हीं के अंदर लाशें भी हों तो कैसी कैफियत होती है तो ऐसे ही हुआ हवाएं जब चली वो इतने बड़े बड़े कद वाले थे कि अल्लाह कहते हैं नखिल खाविया वो मरे तो ऐसे लग रहा लगता था, था जैसे खजूर के तने गिरे हुए हैं खजूर का दर्ख कितना लंबा होता है तो वो अगर जड़ से उखाड़ के फेंक दिया जाए तो लंबे लंबे तने जमीन पे गिर जाते हैं ऐसे वो गिरे पड़े थे सात रातें आठ दिन तक मुसलसल ये जो है ना अजाब उन पे आता रहा और इसमें ये भी हिकमत है, हो सकता है कि वो सात रातें तड़पते रहे और फिर आठवें दिन जाके उनको मौत आई वो उसकी छिद्द देखते रहे उनको तड़पा तड़पा के मारा गया अल्लाह चाहते तो एक मिनट में भी तो उनको एक लम्हे के अंदर उनको मार सकते थे इसमें क्या हिकमत है ताकि उनका गुरूर जो है उनको तड़पा तड़पा के मारे पॉसिबल है ना ये हिकमत है लिखा तो नहीं कहीं पे लेकिन ये हो सकता है पॉसिबल है कि हिकमत ये हो कि सात रातें वो सजाब की जद में सहते रहे बर्दाश्त करते रहे और आठवें दिन फिर वो खजूर के तने की तरह गिरे और हर काफिर मर गया कोई भी ना बचा बस ईमान वालों को अल्लाह ने वहां से निकाल दिया वकील का आदू और ये थे आद यानी इसी कौम को आद भी कहा जाता है और हो सकता है कि इससे मुराद इनके अलाके वो कौम जिनका वाकिया बयान हो वो आद हो, उनके अलाके मुराद हो आध का आद उन और ये थे आद जहादू जिन्होंने इनकार किया अपने रब की आयात का तो आसव और इन्होंने नाफरमानी की रसूला हो उसके रसूलों की एक रसूल आए थे एक ही नाफरमानी की लेकिन एक का इनकार सब रसूलों का इनकार होता है वह और इन्होंने पैरवी की अमरा हुक्म की कुल्ली हर जब्बार इन सरकश जिद्दी की यानी एक तरफ अल्लाह का इनकार किया रसूल का इनकार किया और दूसरी तरफ मानी किसकी जब्बार की यानी सरकश बादशाहों की अनी सहत अनाद वाला वो शख्स जो हक बोलना करे और इसके साथ शिद्दत की मुहालफत रखे हर कौम का सरदार तो इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की और अपनी कौम के सरदारों बादशाहों सरकश जिद्दी लोगों को अपना बादशाह और अपना हकीम मुकर किया और उनकी फरमा करने लगे तो इससे हमें एक लेसन मिलता है कि बाज हम लोगों के डर से अल्लाह की बात नहीं मानते लोगों के खौफ की वजह से ठीक है तो हदीस भी है कि लोगों की अतायत महलू की अतायत जो हम करते हैं वो तब तक कर सकते हैं जब तक अल्लाह की नाफरमानी ना हो जिस काम में अल्लाह की नाफरमानी हो चाहे वो पेरेंट्स का हुक्म हो चाहे वो किसी बड़े आलिम का हुक्म ही क्यों ना हो अगर वो हुक्म पूरा करने से अल्लाह की नाफरमानी होती है तो वो जायज नहीं कि उस हुक्म को पूरा किया जाए हाज हिल हाज हि दुनिया वो और इनके पीछे लगा दी गई इस दुनिया में लानत 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 का मतलब है नाराज़ होकर दफा दूर कर देना अल्लाह ताला की लानत से मुराद ये होगा कि अजाब और दुनिया में अल्लाह अपनी रहमत और तौफीक तो से उनको महरूम कर देगा बल्कि कर दिया और इंसानों की तरफ से उन पर क्या लानत कि इस दुनिया में आने वाले तमाम वो लोग जो मोमिन हैं पैगंबर हैं उनके कुफर की वजह से उन पर लान करते रहेंगे और आखिरत में उनको सबके सामने ला रेगा जलील करेगा अजाब में मुबतला करेगा और यौम क्याम आती अला हबरदार अब हबरदार किया जा रहा है कि कोई ये ना समझे कि ये बेचारे थे इन पे ज्यादा हुई बल्कि कहा हबरदार इन आदन का फारू अबा बेशक आद ऐसी को थी जिसने कुफर किया अपने रब का बहुत जुर्म के मुर्तकिब थे फिर फरमाया खबरदार दोबारा सुन लो अला हबरदार बु अदन दूरी है अली आदिन आद के लिए कौम हूद जो कौम हूद की थी खूद की कौम थी उनके लिए दूरी है उन पर लानत है उन पर अल्लाह की फटकार है क्यों क्योंकि इन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी कफ़रु रब्बाह अगर बे रब भी हिम होता तो इसका मतलब होना था कि इन्होंने ने नेमतों का शु, न ने शुक्र की लेकिन अगर बा ना हो कफरबाह हो तो फिर इसका मतलब होता है बड़ा जुर यानी उन्होंने जैसे इंकार किया माने ही नहीं सिरे से अपने रब का कुछ सोचे समझे इस्लाहियत है थी उनके पास गौर वफिक्र किया ही नहीं जैसे होता है ना कि हमने डिसाइड किया होता है हमने बात नहीं मानी तो अगर किसी के अभी किसी के मुंह में बात होती है कि आपको ये करना फौरन से कहते नहीं मेरा अभी इनकार है अभी इनकार है हमेशा इनकार रहेगा वो आज ने भी ऐसे ही हूद अलैहिस्सलाम को इनकार किया और उनका इंजाम क्या हुआ उन्हें सफेद हस्ती से मिटा दिया गया इस दुनिया के अंदर कोई उनका नामो निशान और जिसने भी इनकार किया ऐसे ही हुआ तो बात क्या समझ में आती है जो इनकार करता है अल्लाह क्या करते हैं उसकी जगह उसको इस दुनिया से खत्म करके फिर क्या होता है सुरत मोहम्मद है ना अगर तुम फिर जाओगे तो तुम्हारी जगह तुम्हारे सिवा और लोग ले आएगा और वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे इसलिए हमारे लिए बहुत अहम इसमें लेसन है कि अगर हम आज अल्लाह का इनकार करते हैं या फिर अल्लाह की बात नहीं मानते या हदूद को कमाल करते हैं तो ये फिर याद रखें कि आज हमारा वक्त है कल हमारा वक्त नहीं होगा हमारी जगह पे कोई और लोग होंगे और वो हमसे ज्यादा अच्छे होंगे हम हमें लोग बोल जाएंगे फिर उनको याद रखेंगे अपनी क्वालिटीज अच्छी करनी चाहिए अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाना चाहिए ये ना हो कि खास तौर पे वो लोग जो अल्लाह की खातिर जिम्मेदारियों पे लगे होते हैं उनको खास तौर पे यही सोचना होता है कि ये खालिश अल्लाह के लिए अल्लाह की रजाक के लिए और ये अल्लाह ने मुझे चूज किया है तो अगर अल्लाह ने जिम्मेदारी दी है तो मुझे अच्छे तरीके से निभाना है अगर नहीं निभा सकूंगे तो फिर क्या होगा अल्लाह किसी और को दे देंगे तो मेरा ही नुकसान होगा अल्लाह का तो नहीं होगा अल्लाह का नुकसान कभी भी नहीं होता इंसान अल्लाह को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता फिर आज के लसरा मुस्तक की जो हमें सिफात मिली है वो भी हमने उस पर फिक्र करना है और खुद पढ़ना है कि ये सारी की सारी चीजें कैसे कैसे हमें मिल रही है इन आयात के अंदर कैसे जो है हमने इनको देखा कि तबक्ल भी इस फिर अल्लाह के भरोसा अल्लाह को मालिक समन मोहम्मद क्या थर्टी एट है अल्लाह हमें

فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب